आपको महाराष्ट्र में, इंडिया में कहीं भी ये वाला कंसेप्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आपको जिम के साथ अगर कुछ चाहिए तो जिम के साथ यहाँ पे स्विमिंग फ्री में है, तो आप मगर जिम के साथ जो भी आप जिम की मेंबरशिप लेते हो तो जिम के साथ आपको स्विमिंग एंड टर्फ और उसके बाद में बैडमिंटन। न्यूट्रिशन लेने से साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लोग बोलते हैं कि जो सप्लीमेंट रहते हैं उसमें। गाइस यहाँ पे टेनिस भी खेला जाता है, मैचेस भी होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आपके पास के ब्लॉग देख के जो भी बंदा आता है मेरे पास, मैं उसको 10% वेलकम टू औरंगाबाद इनके ब्लॉग्स। गाइस आज आपने साथ मोजम्मिल है, जो कि हम हमारे पीछे आप देख रहे हैं उनकी फ्यूचर इंडिया जो जिम है यहाँ पे का अपनी ताज होटल है हमारे यहाँ पे की नॉट मुंबई की, तो उसके सामने ही ये जिम है। तो अभी अपन अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपने को इक्विपमेंट मिले, बिकॉज मैं यहाँ पे आया हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं तो फ़ैन हो गया इस जिम का। वैसे भी आपने DFC वाला देख लिया होगा, तो इसके बाद मैं ये सेकेंड वाला ब्लॉग कर रहा हूँ जिम का, और नॉट प्रमोट कर रहा हूँ इस ब्लॉग को, तो ऐसे ही मैंने एक निकाल दिया है कि चलो अपन दिखाते हैं आपको। जैसे भी आप फ्रंट से एंट्री मारते हो राइट ना मुजम्मिल भाई, तो यहाँ पे से अंदर आपको जाना है। जो जिम आप देख रहे होंगे ये कुछ ऐसा रहेगा, अगर हम एंटर मारते हैं तो आपको ये पूरा स्पेस दिखाई देता होगा। हाँ ठीक है, तो अपन इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो हर एक इक्विपमेंट लगता है जिम में ठीक है। हाँ तो वो है, तो उसके बाद एक साइड बाय साइड देखेंगे। फिलहाल आज रश नहीं है, लॉकडाउन की वजह से बहुत दिनों से जो जिम का लॉकडाउन की वजह से बहुत ही इफ़ेक्ट हुआ है अपने ऊपर जो फिटनेस वाले हैं वो, तो उनके लिए भी ये ब्लॉग मैं करना चाहूँगा, बिकॉज मेरे लिए तो ये नया जिम था। तो ये आप देख रहे होंगे कि वैसे अभी जिम का स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमारे यहाँ पे एक ही टाइम पे यानी कि मॉर्निंग में तो इवनिंग का टाइम दिया है। यस, तो वो हम कवर करेंगे, और पीछे आप ये भी स्पेस देखते होंगे, ये जो हम करते हैं एक्सरसाइज डंबल्स वगैरह, और मेरा ये कैमरा भी दिखाई देता होगा आप लोगों को। तो ये और ये थ्री का यूनिक हम बोल सकते हैं कि डंबल्स वगैरह अपने लिए यही से मिला। मुजम्मिल भाई फ़ोन पे बिजी है, पसीना हुआ होगा एक्चुअली, मास्क भी मेरे बैग में है, कैमरा मेरे हाथ में है, अपना ड्रोन व्यू पीछे चल रहा है, वॉइस आता होगा। तो ये देखिए यहाँ पे साइकिलिंग के जो बैग हम मारते हैं वो मशीन्स यहाँ पे है, ब्लैक होता होगा, रिफ्लेक्ट होता होगा बिकॉज यहाँ पे अभी क्लियर दिखाई देता होगा। इस ये जिम का मोटो है, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं ये वाली रस्सी, इससे भी हम कुछ कर सकते हैं। मेरा ऐसे मन हो रहा है कि यहाँ पे जो जिम है वो मारूं, पर अभी टाइम नहीं है अपने पास, बिकॉज मैं एक विजिट देने आया था, बिकॉज कैसे जिम है क्या जिम है इसका, अगर कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसकी मंथली या ईयरली क्या फ़ीस होंगी आप उनसे कॉन्टैक्ट करके, वो जो ब्लॉग है अपना बन रहा है उसके हिसाब से आप इनके कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। इसका एक ड्रोन व्यू भी मैं बहुत ही अच्छा लूँगा। इसका अगर मैं बात करूँ तो ये जिम हो गया गाइज, यहाँ पे टेनिस भी खेला जाता है, मैचेस भी होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि क्रिकेट्स फुटबॉल्स वो भी यहाँ पे होते हैं, तो बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ पे हैं। तो मुझे एक मज़ा आता है कि जो औरंगाबाद के जिम्स वगैरह है उन्हें एक्सप्लोरर करने में, बिकॉज ये जिम इंडिया फ्यूचर नाम से ही बहुत ही अच्छा, मुझे एक नाम से अच्छा लगा है। तो मुजम्मिल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके साथ साथ आपको जिम तो है यहाँ पे, और अगर आपको जिम के साथ अगर कुछ चाहिए तो जिम के साथ यहाँ पे स्विमिंग फ्री में है, तो आप मगर जिम के साथ जो भी आप जिम की मेंबरशिप लेते हो तो जिम के साथ आपको स्विमिंग एंड टर्फ और उसके बाद में बैडमिंटन कॉर्ट हो गया वो भी दिखा देंगे अपने व्यूअर को। इसके लिए मैं ये ब्लॉग करना चाहता था, बहुत एक्साइटमेंट भरा ये ब्लॉग रहेगा, बिकॉज एक बार हम मेंबरशिप ले लेते तो पूरा यानी कि फ्री रहता है यहाँ पे जो भी मैचेस होगा। हम अंदर जाएंगे यहाँ से, ये अंदर आ गया अपन, ये है टर्फ, तो ये पूरा यहाँ पे मैं टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। ओके, अभी फिलहाल रिसेंटली हुआ था फुटबॉल मैचेस का भी आप कर सकते हो टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, नेक्स्ट क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो वो भी अपन पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पूरा स्पेस आपको दिखाई देता होगा, और साइड में अपन जाएंगे जहाँ पे स्विमिंग है, स्विमिंग पूल वो भी फ्री है एक्चुअली। हाँ, वही इसी मेंबरशिप में आएंगी। ओके,
अच्छा यहां से एक सेकंड ये लोग अभी इधर स्विमिंग कर रहे हैं, हम इधर जाते हैं। ओके हाँ, वहाँ पे थोड़ा शूट हो रहा है ड्रोन का अपना, तो स्विमिंग पूल का बाद में यहाँ पे एड लगी हुई है, रॉयल इनफील्ड टैन ये वो सब, ये आप बहुत ड्रैगन की एड लगी हुई है, ये एडिंग के लिए स्पेशल स्पेस छोड़ा हुआ है। ओके, जो बंदे यहाँ पे आते हैं तो एटलीस्ट वो वहाँ पे दिखाई देते होंगे। हाँ, और हम अभी एंटर कर चुके हैं जहाँ पे जो ये खेला जाता है, मल्टीपर्पज हॉल बोलते हैं इसको। ओके, मल्टीपर्पज ओके बोल सकते हैं हम इसको। थोड़ा लाइट इधर से आएंगे अपन। तो ये बैनर बहुत ही अच्छे है, देखिए बैनर भी और स्पेस भी। ये सबसे बड़ा जिम मेरे को ऐसे लग रहा है कि औरंगाबाद में यही होगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पे बैडमिंटन चल रहा है, ये बैडमिंटन का स्क्वाड है। ओके, उसके बाद में इधर आप वॉलीबॉल का भी यहाँ पे लगाते हैं, इसको हटा के वॉलीबॉल भी यहाँ पे खेल सकते हैं। ओके, यानी कि बहुत सारे गेम्स यहाँ पे होते हैं, वॉलीबॉल्स हो गया, बैडमिंटन हो गए। लाइट थोड़ा, अब लाइट आ गया थोड़ा, चलो ये थोड़ा वो उसको क्या बोलते हैं, हाँ टेबल टेनिस भी हम खेल सकते हैं वहाँ पे। फिलहाल तो भी वो ऊपर रखे गद्दे वगैरह, और ये अपना पंचिंग मतलब किक बॉक्सिंग कराटे वगैरह के लिए। ओके, किक बॉक्सिंग भी यहाँ पे होती है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा, और वो मेरे को एक्साइटिंग भरा लगा, कुछ नया है। नया है हाँ, बिकॉज कौन से भी जिम में वो नहीं मिलता। चढ़ के बताता हूँ। ओके, मुजम्मिल भाई अभी आगे चढ़ने वाले हैं। हाँ, एक्चुअली ये इंक्वायरी इसके लिए थी कि मुझे भी जिम ज्वाइन करना है, बट मेरे घर से बहुत दूर है ये। वो इज अ नाइस गाय मौजम भाई, मौजमिल भाई कमाल। ये पूरा यस, आ जाओ नीचे। अगर नीचे गिरते भी है वो, आप नीचे मैट है। हाँ, तो ये नीचे भी गिर गए तो कुछ टेंशन वगैरह नहीं है। हाँ, इधर सारे मैट्स रखे हुए, यहाँ पे मतलब आप कुश्ती खेल सकते हो, कराटे खेल सकते हो। ओके, जो ओल्ड एज गेम भी हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये किया है कि कुश्ती वगैरह कराटे वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। एक चीज़ में बोलना है के बहुत सारे जो लोग होते हैं मतलब बच्चे चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस मतलब आज के पीरियड में कहता मोबाइल में लगे हुए हैं। राइट, ये लोग का कंसेप्ट यही था कि सारे चीज़ें लाना और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब छोटे छोटे और एक ही जगह पे हाँ पूरा जो ये है अपना फिटनेस का, तो वो यहाँ पे मिलेगा। yes. इंडियन फ्यूचर इंडियन ये मतलब आपको महाराष्ट्र में, इंडिया में कहीं भी ये वाला कंसेप्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ औरंगाबाद में है अपने, तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो है, अभी मैंने फर्स्ट टाइम ये मेरे को एक अच्छा लगा ऑसम, क्योंकि मैं बहुत सारे जिम के वीडियोस भी बनाता हूँ ना, तो ये कुछ हटके लगा यूनिक। अभी हम जाएंगे जो हमारा स्विमिंग पूल है, इसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, स्विमिंग मतलब जिम के साथ स्विमिंग कैसा है, तो एग्जैक्ट जिम के बाद में यहाँ पे आपको स्विमिंग मिलेगा, वो भी बिल्कुल जिम की मेंबरशिप में फ्री। हाँ, तो कुरेशी वगैरह है वहाँ पे, कुछ अपन दिखाएंगे वहाँ पे। ऑलरेडी शूट चल रहा होगा, वॉइस थोड़ा ब्रेक होता होगा। ये अपने दोनों पंटर, ये देखो ये दोनों पंटर कर रहे हैं। आ जाओ इधर, चाहे ड्रोन यू चालू इनका, वो ड्रोन बैक है आप लोग रुक रहे हैं। ये लोग के बारे में कुछ बोलूंगा। ओके, यहाँ पे ब्लॉग चालू है और ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ड्रोन हवा में उड़ा दिए लोग और ऊपर से शूट कर रहे हैं। वो पर्सनल वीडियो होंगे, अपना भी एक वीडियो आएगा इस बार। अभी अपना एक गाना आने वाला है आज के, मतलब आज हम लोग गाना शूट करने वाले हैं वन लाइफ बेबी पे। बहुत ही अच्छा, सही है, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हम लोग घोड़ा भी लेके आने वाले, कुछ एक्साइटेड बहुत भरा रहेगा। फॉर्च्यूनर भी सब बाहर है, का घोड़ा है ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर है, और अभी और हुआ तो ब्लैक कलर की भूजा भी मंगाया हम लोग ने, अगर आई तो अच्छा शूट मिलेगा एक। चलो, ये जिम कैसे लगा गाइस मुझे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। औरंगाबाद के हो तो, महाराष्ट्र के भी हो तो, कोई ये नहीं है। मैंने पिछले ब्लॉग डाला था, बहुत सपोर्ट किया था गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्ट। आपकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे एक्चुअली इतना नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ काम सही है कि नहीं, बट रिस्पॉन्स पब्लिक बहुत अच्छे दे रही है। जैसे कि मेरा एक ब्लॉग था संडे मार्केट का ब्लॉग है, वो 35K गया, और उसके बाद जायकवाड़ी का मैंने किया समथिंग, तो वो 91 या 92K के पार गया। सो थैंक यू, आगे ही मैं ऐसे ब्लॉग देते रहूँगा, बिकॉज ये फिटनेस का भी मैं बहुत ही अच्छा फैन हूँ, तो वो भी ब्लॉग करता हूँ। और इसके ये फिटनेस है, मतलब यहाँ पे आपको जिम अगर ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट वगैरह मैं दे दूंगा। ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा जिम है, ऐसा नहीं कि ये वीडियो में प्रमोट कर रहा हूँ कुछ। yes. इसका ऐसी नहीं है, मैं फ्री में आके कंटेंट बनाने के लिए यहाँ पर, बिकॉज कैसे कि मेरे को जो कंटेंट अच्छा लगता है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। यस, चलेगा, चलो बाय गाइस, हैव नाइस डे, नाइस वीकेंड। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अपन फूड का एक ब्लॉग चालू करने वाले हैं, तो उसमें मिलते हैं अपन।
वाइज अपन सवेरे जो वीडियो ब्लॉग बनाया मैंने फिटनेस इंडिया का जो जिम था उनका एक शॉप है फ्यूचर रिटर्न्स न्यूट्रिशियन का, जो भी यहाँ पे मैं अभी आया हूँ न्यूट्रिशियन के जो उस शॉप में अभी आए हैं, तो अपने जो कि सर अपने साथ है अभी। तो सर मुझे ये बताइए कि आपका नाम सर मोहम्मद ज़ाहिर। ओके सर मुझे ये बताइए कि जैसे भी अभी यूथ है अपना यंग जनरेशन है वो कुछ बोलते हैं कि न्यूट्रिशन लेने से कुछ इफेक्ट साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं कुछ ऐसे? देखो न्यूट्रिशन लेने से साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लोग बोलते हैं कि जो सप्लीमेंट रहते हैं उससे साइड इफेक्ट होते हैं। ये इसलिए बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि सप्लीमेंट रहता क्या है, सप्लीमेंट से होता क्या है। एक्चुअली सप्लीमेंट आजकल के जनरेशन जो है जिस तरह का हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग को जिस तरह के उसमें से विटामिन मिनरल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ें हमको चाहिए वो हम लोग के फूड से नहीं मिलती है, इसलिए हम आजकल सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन लोगों के माइंड में एक सप्लीमेंट से ऐसा है कि उससे साइड इफेक्ट होते हैं। एक्चुअली सप्लीमेंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, स्ट्रॉइड जो रहता है उससे साइड इफेक्ट होते हैं। तो लोगों ने स्ट्रॉइड और सप्लीमेंट को मिक्स कर दिया है। ओके तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो सारी चीज़ें होती है वो होती है डाइट। आप अगर कोई भी मेरे पास आप जैसा देखेंगे अभी 8 से 10 अलग अलग ब्रांड और सभी ब्रांड के सबसे पहले मेरे पास कस्टमर आता है वो पूछता है कि सर हमको सबसे अच्छा ब्रांड बताओ। अभी मेरे पास आप देखेंगे तो सभी ब्रांड अच्छे हैं, इसीलिए मैंने ये ब्रांड रखा हूँ। बहुत बढ़िया है। हाँ तो आप कोई भी ब्रांड लेंगे अगर आप प्रॉपर डाइट करेंगे वर्कआउट करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और गेन करने के लिए हमको मास गेनर डालना पड़ता है जो प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब हो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मेरे एक सर आप दिखा सकते हो कि हेल्थ के लिए कौन सा बेस्ट रहेंगे, यानी कि जैसे कि कस्टमर आता है तो वो विच इज़ बेस्ट प्रोडक्ट बोलता है तो गेन करने के लिए समझो मैं हूँ तो मुझे कौन सा एक लेना चाहिए। जैसे जैसे कि आप हो गए हो मेरे पास ही एक सुपर साइज बोल के प्रोडक्ट है अभी आपको जो दिख रहा है सुपर साइज बोल के, यस ये गेनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि इसको कैसे लेना पड़ता है एक्चुअली? अगर हम लेते हैं परचेस करते हैं तो फिर इसका मंथली या 2 महीने का यानी कुछ पैकेजेस रहते होंगे इसी? इसका जो रहता है आपकी बॉडी और आपके एम पे डिपेंड रहता है। ओके कि आपको कितना वेट गेन करना है, आपको कितना बॉडी बल्क करना है उस पर डिपेंड रहता है। ओके तो हम लोग तो सजेशन करते हैं कि एज पर बॉडी की डेफिनेशन के हिसाब से कि बंदे ने दो वो इसको उसके कंज्यूम करना चाहिए वो हिसाब से हम उसको देते हैं। बॉडी बिल्डिंग वेयर हाउस का यूके का प्रोडक्ट है, इसमें दो आता है वे कॉन्सेंट्रेट बोल के आता है जो वे 80 में आता है और एक वे आइसोलेट आता है जो वे 95 बोल के आता है। ओके दूसरा वाला ये दूसरे वाला वे 95। ओके इसमें 80 और इसमें 95 दोनों में डिफरेंट ये है कि आइसोलेट प्रोटीन रहता है 95 में। ओके जो बंदों को वेट लॉस करना है बॉडी मस्कुलर करना है उन लोग को हम ये प्रोडक्ट देते हैं। ओके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है क्योंकि आपके पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पता होगा और गुड यानी कि मैं बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छा हमको नॉलेज मिला इस ब्लॉग से। कभी तो आप इनका कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो यानी कि जानकारी पा सकते हैं। सर मेरे को ये बताया कि पेमेंट का कैसे रहता है? तो मेरा अगर बिल होता है 5,000 रुपये का उसके ऊपर कितना डिस्काउंट दे सकते हो? अगर ये ब्लॉग अगर कोई बंदा देख रहा होगा जिम का या जिम जो भी जिम नहीं करता है और उसको न्यूट्रिशन लेना है और कुछ गेन की चीज़ें होना है तो उनके लिए आप क्या दे सकते हो? देखो आपके पास के ब्लॉग देख के जो भी बंदा आता है मेरे पास मैं उसको 10% जो भी मटेरियल परचेस करता है उस पर डिस्काउंट दूंगा। और दूसरी बात हमारे पास ये चीज़ है कि आजकल मैक्सिमम आप लोग देखेंगे कि कैशलेस बहुत चल रहा है तो हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी है। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड गूगल पे फोन पे जिस तरह से भी पेमेंट करना चाहे उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं और साथ साथ में हमारे पास आप बजाज फाइनेंस में भी करवा सकते हैं। ओ ये नहीं थिंक है कि फाइनेंस पे भी आप ले सकते हैं, भी प्रोडक्ट परचेस करना है वो ले सकते हैं आप। बहुत सही है, मेरे ब्लॉग जो भी देख रहे होंगे तो 10% ये जो आप पीछे देख रहे हो प्रोडक्ट आपको जो भी चाहिए तो यहाँ पे आके ले सकते हो। मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसका एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज यहाँ पे आइए विजिट करिएगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे कि जो न्यूट्रिशन से कुछ यंग जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें होती कि हमारा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो सर वो सॉल्व करके आपको कुछ नया थिंग दे सकते हैं।
सो यस थैंक यू सर। सो अभी निकलते हैं अपने घर की तरफ गाइस। तो ये ब्लॉग कैसे लगा मुझे बताइए, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको नए ब्लॉग मिलते रहेंगे। सो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। Prepare to die.